तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद होगा अच्छे ही होंगे और स्वागत है आपका एक नए सफ़र में। और स्वागत करते हैं आपका महाराजा सुहेलदेव की कर्मभूमि और बहराइच शहर के बहराइच रेलवे स्टेशन पे। और ये हमारे पीछे देख सकते हैं आप लोग बहराइच स्टेशन का शानदार नज़ारा कुछ ऐसा है। और ये देख लीजिए दोस्तों, अपनी ट्रेन बहराइच स्टेशन पर खड़ी है और ट्रेन को कितना शानदार और बढ़िया केसरिया रंग में सजाया गया है, क्योंकि इस समय चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव और अपने ट्रेन को उसी अंदाज में सजाया गया है। तो आप लोग ट्रेन का फर्स्ट लुक देख सकते हैं कितना शानदार है और भव्य सजावट की गई है अपने बहराइच रेलवे स्टेशन पे। देख लीजिए अपने ट्रेन का शानदार और फर्स्ट लुक, काफ़ी भव्य सजावट की गई है। और सामने अपने सांसद महोदय जी आ चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है इसके उद्घाटन का। और आज हम इससे आपको ले चलेंगे बहराइच से बनारस तक। ये देख लीजिए क्या मस्त सजावट, भव्य लुक है इसका। और सामने आप देख सकते हैं मंच पे अपने माननीय सांसद श्री सेवरलाल गौंड जी और पब्लिक के प्रयासों को सफलता मिलती हुई, और इन्हीं लोगों के प्रयासों की वजह से आज ये ट्रेन शुरू होने जा रही है। और अपने माननीय सांसद जी ने हरी झंडी दिखा दी है और बस अब ट्रेन शुरू होने वाली है। अपने ट्रेन का हॉकिंग हो चुका है और सारे लोग जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा चुके हैं, लगा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं माता की जय। देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में लोग यहां के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और काफी सारे लोग उत्साहित हैं इस ट्रेन को लेकर, क्योंकि यहां से पहली बार कोई ट्रेन बनारस के लिए निकल रही है। अभी तक यहाँ पर सिर्फ डीएमयू ट्रेन चला करती थी। तो दोस्तों अपनी ट्रेन डिपार्च कर चुकी है अपने राइड समय 5:15 से बहराइच से। आप लोग देख सकते हैं इसका शानदार लुक और शानदार डिपार्च। बाय बाय बहराइच, फिर मिलेंगे। और ये अपनी ट्रेन
दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम आप लोग देख सकते हैं, सुबह सुबह की जर्नी कितनी शानदार होने वाली है। और अपने फूल ट्रेन का सजावट और फूल देख सकते हैं, क्या शानदार नज़ारा है। तो दोस्तों, बहराइच से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और बहराइच के लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज से बहराइच और बनारस के बीच में लोगों की वर्षों पुरानी मांगें पूरी हो रही है और यहाँ से जो ट्रेन चल रही है, इसीलिए आज का दिन बहराइच के लोगों के लिए काफ़ी सुखद और शानदार है जो यहाँ से ट्रेन चल रही है। तो दोस्तों, अपनी ट्रेन प्रयागपुर में अराइव होते हुए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी लोगों का हुजूम सुबह सुबह के टाइम पे। और अपने प्रयागपुर स्टेशन पे भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि अपने ट्रेन का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। हर हर महादेव। और यहाँ पे भी अपने सांसद जी और विधायक जी का स्वागत करते हुए लोग, जय श्री राम, जय ट्रेन से बाहर आते हुए लोग स्वागत करते हुए आप लोग देख सकते हैं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत करते हैं। और दोस्तों, देख लीजिए अपने ट्रेन का फर्स्ट लुक, इंजन का ट्रेन को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, देख रहे हैं। और दुल्हन की तरह इसको सजा दिया गया है, देख सकते हैं। वेब गाजियाबाद के वेब 5 इंजन के साथ चलती है अपनी बहराइच बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस। दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है अपने इंजन को और अपने ट्रेन को प्रयागपुर स्टेशन पे। और ट्रेन यहाँ से डिपार्च कर चुकी है प्रयागपुर स्टेशन से। अपने ट्रेन का डिपार्चर होते हुए प्रयागपुर स्टेशन से प्रयागपुर। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा प्रयागपुर स्टेशन पे अपने माननीय सांसद जी और विधायक जी का लोगों ने स्वागत किया, और लोगों और यही सांसद मतलब अपने जनप्रतिनिधि के प्रयासों से इस ट्रेन को बहराइच से वाराणसी के लिए चलाया गया है।
काफ़ी लंबे प्रतीक्षा के बाद, लोगों को काफ़ी मांग और वर्षों से प्रयास के बाद इस ट्रेन को बहराइच से चलाने की मंजूरी मिली, तो लोग काफ़ी उत्साहित हैं और खुश हैं। इतना सुबह सुबह लोग यहाँ पे अपने सांसद जी का स्वागत करने के लिए आए और अपने ट्रेन का स्वागत करने के लिए आए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत खुशी है जी। बहराइच से गाड़ी चल गई है जी, सभी यात्रियों जो है गोरखपुर लखनऊ के लिए जो है सबको ट्रेन मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। और काशी विश्वनाथ भी हम लोग को दर्शन कराएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग की यात्रा है कि इलाहाबाद भी गाड़ी चल जाए। काफ़ी समय से मांग हो रही थी इस ट्रेन को चलने के लिए जी, और चलो अभी इसका जो है संचालन शुरू हो चुका है आज से। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और जो सांसद जी प्रयास करेंगे कि इलाहाबाद के लिए भी गाड़ी चल जाए, एक ट्रेन इलाहाबाद के लिए, एक ट्रेन लखनऊ के लिए, ये दो ट्रेन जरूरी है। ठीक है सर, चल जाएगी बहुत जल्दी मोदी जी के। हाँ जी, आप लोग का प्रयास रहेगा तो जरूर चल जाएगी। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। समय हो रहा है 6:45 और हम लोग आ चुके हैं अपने सेकेंड स्टॉप गोंडा जंक्शन पे। और बात करें गोंडा जंक्शन की तो 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, GDS का स्टेशन कोड हुआ, और 148 ट्रेनें यहाँ पे हॉल्टिंग करती हैं, तो 11 ट्रेनें यहाँ पे टर्मिनेट होती हैं और 11 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। बाकी गोंडा पड़ता है अपना NER जोन के लखनऊ डिवीज़न में, और पीछे खड़ी अपनी ट्रेन। तो दोस्तों गोंडा से अपनी ट्रेन डिपार्ट करते हुए बाय बाय गोंडा। तो दोस्तों मनकापुर जंक्शन पर अपने ट्रेन का अराइव होते हुए, तो दोस्तों सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है मनकापुर जंक्शन पे। और बात करें मनकापुर जंक्शन की तो MUR इसका स्टेशन कोड हुआ, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 5, 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, और 2 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, 2 ट्रेनें डिपार्ट होती हैं, बाकी 70 ट्रेनों का अपने हॉल्टिंग है यहाँ पे मनकापुर जंक्शन पे। और मनकापुर जंक्शन पड़ता है NER जोन के लखनऊ मंडल में। मनकापुर में अपने ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्टिंग है क्योंकि यहाँ पे इसका लोको रिवर्सल होता है, तो ट्रेन अभी हद तक हम लोग आगे थे और यहाँ से अब पीछे की ओर हो जाएंगे और आगे अपना इंजन चला जाएगा, तो यहाँ पे टोटल 20 मिनट का हॉल्ट है। इसके बाद दिखा देते हैं आपको इसका डिपार्चर। तो दोस्तों मनकापुर से अपनी ट्रेन डिपार्च कर चुकी है। मनकापुर जंक्शन, सरयू नदी,
और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अपने ट्रेन को शानदार कर्व लेते हुए अयोध्या जंक्शन से पहले का शानदार नज़ारा कर्व का। काफ़ी शानदार सजावट की गई थी लेकिन सारे बैलून उड़ उड़ के हवा में गायब हो गए हैं, केवल फूल माला बचा है थोड़ा बहुत। तो दोस्तों अयोध्या जंक्शन पे अपनी ट्रेन का अराइव होते हुए और समय देख लीजिए 8:40। तो दोस्तों समय हो रहा है 8:40 और हम लोग आ चुके हैं अपने चौथे स्टॉपेज अयोध्या जंक्शन पे। और अयोध्या तक अभी हमने डिस्टेंस तय किया है केवल 100 किलोमीटर का। तो बात करें अयोध्या जंक्शन की तो AY इसका स्टेशन कोड हुआ और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, एक ट्रेन टर्मिनेट होती है, बाकी 52 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्टिंग होता है। और अयोध्या पड़ता है अपना नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ चारबाग डिवीज़न में, यहाँ से अपना डिवीज़न चेंज हो जाएगा। इसके पहले हम NER के लखनऊ डिवीज़न में थे, यहाँ से नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ चारबाग डिवीज़न में चले जाएंगे। फैजाबाद जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन जिधर से हम लोग आ रहे हैं बहराइच से और जिधर जाएंगे बनारस की तरफ, और एक लाइन फैजाबाद होके लखनऊ जाती है और एक लाइन यहाँ मनकापुर होके गोरखपुर को जाती है, इसीलिए अयोध्या जंक्शन पॉइंट भी है। तो अपने ट्रेन का यहाँ पे 20 मिनट हॉल्टिंग है, बाकी यहाँ पे अपने ट्रेन का लोको रिवर्सल होता है, लोको रिवर्सल के बाद अपने 20 मिनट के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर होगा। तो आइए दिखा देते हैं आपका डिपार्चर। दोस्तों इसी के साथ आ गई अपनी गाजियाबाद के वे 5 इंच के साथ अपना लोकोमोटिव, आगे से फिर पीछे रिवर्सल होते हुए। तो दोस्तों अयोध्या जंक्शन से अपनी ट्रेन का डिपार्चर होते हुए और समय देख लीजिए 9:10, यानी ट्रेन यहाँ पे अच्छी खासी रुक गई है। अयोध्या जंक्शन बाय बाय हो अयोध्या जंक्शन। और दोस्तों अयोध्या से अपनी ट्रेन निकल चुकी है लेकिन इसी के साथ ही अपने फ़ोन की बैटरी भी जवाब दे चुकी है। तो हम तो सोचे थे कि आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे, बनारस तक की पूरी जर्नी दिखाएंगे, बहराइच से बनारस तक की, लेकिन तकनीकी दिक्कत की वजह से हम आपको पूरी जर्नी नहीं दिखा सकते हैं। तो आपसे सीधा मिलेंगे बनारस में। और दोस्तों उस तरफ जो रूट जा रही है उधर से हम लोग आए हैं, अब वापस फिर अपना लोको रिवर्सल होके उसी डायरेक्शन में हम फिर इस तरफ जा रहे हैं। वाराणसी जंक्शन, और वाराणसी जंक्शन पे अपने ट्रेन का अराइव होते हुए समय देख लीजिए 13:46। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग अपने ट्रेन में बोर्ड करने वाले हैं, काफ़ी भीड़ है। और ट्रेन अपनी आई है वाराणसी के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। Yeah.
रुकेगी रुकेगी आराम से, कहाँ दिक्कत है। अरे आराम से चढ़िए महाराज, यहीं आराम से रुकेगी। तो दोस्तों लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट स्टॉपेज वाराणसी जंक्शन पे, और यहाँ पे लोगों को चढ़ने का भीड़ देख सकते हैं, लोगों को उतरने भी नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं लोगों का कितना हुजूम है। और वाराणसी और बहराइच के लोगों के लिए आज रेलवे ने एक ख़ास तोहफा दिया है, उनकी डिमांड को देखते हुए, उनके प्रयासों को देखते हुए। और इसी के साथ ख़त्म हो जाती है अपनी और इस वाराणसी बहराइच इंटरसिटी एक्सप्रेस की जर्नी। तो जर्नी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।